फटा हुआ झूठा भाव माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? इस्तीफा देगी नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर फोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लड़ेगा, 307 का लड़ेगा, लेकिन थोप दीजिएगा उसके मुंह पे चेहरे पे सब लोग मिल करके। और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते। डीएम एसपी बीडीओ सीओ जो भी मिले उसके मुंह पर थूक दो, उसे माला पहनाने की आवश्यकता नहीं है, उनके गले में फटे हुए जूते टूटी हुई चप्पल का माला पहनाओ, तभी आपका काम होगा। दरअसल ये नसीहत दे रहे हैं भरी सभा में तेजस्वी यादव के विधायक सुधाकर सिंह, पहले कृषि मंत्री थे, विवाद बढ़ा, नीतीश कैबिनेट से उन्हें हटा दिया गया, लेकिन जब लोगों से मुखातिब थे, बातचीत कर रहे थे, तो वो अधिकारियों को सुधारने की नसीहत दे रहे थे, और नसीहत ऐसी कि आप अगर ये काम करेंगे तो आप पर कोई दफा नहीं लगेगा, किसी धारा के तहत आप पर कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल सुधाकर सिंह किसानों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों को कहा कि आप जाते हैं डीएम साहब के पास, आप जाते हैं एसपी महोदय के पास, आप गुहार लेकर के पहुंचते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, आपकी बात सुनते नहीं है, आप उनसे लड़ाई करेंगे, उनका सर फोड़ देंगे तो धारा 302 धारा 307 लग सकती है और आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो कार्रवाई से बचने का तरीका एक चुने हुए प्रतिनिधि तेजस्वी यादव के विधायक ने बताया, और ये कितना गलत तरीके से बताया कि अगर आप एसपी और डीएम से अपना काम करवाना चाहते हैं और उनसे झगड़ना भी चाहते हैं और आप पर कोई कार्रवाई भी ना हो, तो आप ऐसा कीजिए कि 100-200 लोग मिल करके डीएम साहब जैसे सामने आए उनके मुंह पे थूक दीजिए। अब डीएम साहब के मुंह पर आप थूक दीजिएगा तो कौन सी धारा लगाएंगे, इसलिए कि थूक देने की कोई धारा नहीं है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप उन्हें मारेंगे, लाठी डंडा डीएम और एसपी पर चलाएंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, धारा 302 धारा 307 लग सकती है। इसलिए तरीका यह बताया आरजेडी के विधायक ने, उनके पिताजी अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनके पुत्र हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने मशवरा दिया कि डीएम और एसपी के मुंह पर थूक दो, और उसके अलावा एक और नसीहत उन्होंने दे दी कि आप लोग अधिकारियों को बुलाते हैं या अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें माला पहनाते हैं, गले में हाथ जोड़ते हैं, स्वागत करते हैं, इस काम से तौबा कीजिए, छोड़िए इन सारे कामों को। अब क्या कीजिए कि जूता इकट्ठा कीजिए जो फटा हो, चप्पल इकट्ठा कीजिए जो टूटी हो गंदी हो, और चप्पल और जूते का माला बनाइए और जाकर के डीएम साहब के गले में, एसपी साहब के गले में डाल दीजिए। ये नसीहत दे रहे हैं आरजेडी के एक विधायक। दरअसल कोलकाता से बनारस के बीच जो हाईवे बन रहा है वो हाईवे में भूमि अधिग्रहण का मामला है कैमूर जिले का। कैमूर जिला में राकेश टिकैत किसान के बड़े नेता है वो मौजूद थे, और उसी जनसभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि अधिकारियों से अपना बात मनवाना है, अपनी मांग मनवानी है तो आप माला मत पहनाइए, आप उन पर हमला मत कीजिए, आप उनके मुंह पे थूक दीजिए, आप उनके गले में माला डालने की जगह जूता और चप्पल डाल दीजिए। और ये बयान आया है आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह का, मौजूदा समय में विधायक है, पहले मंत्री हुआ करते थे, बड़ी हानक थी, लेकिन मामला ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने उनका पत्ता काट दिया, वो इन दिनों मंत्री नहीं है, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो इन दिनों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुधाकर ही बयान देंगे कि कैसे थूकवाएंगे, वो खुद भी थूकेंगे, ये सब मामला उन्होंने बताया नहीं, लेकिन किसानों को नसीहत की कि डीएम साहब मिले, एसपी साहब मिले, बीडीओ साहब मिले तो उनके मुंह पर थूक दीजिए और फूल की जगह गले में जूता और चप्पल का माला पहना दीजिए।